नमस्कार दोस्तों, सीएस मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते जा रही थी, तो रास्ते में एक गड्ढा था। दो मेंढक उस गड्ढे में गिर गए। सारे मेंढक परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, गड्ढा बहुत गहरा था। वो दोनों मेंढक भी बहुत ही परेशान हो गए कि अब हम नहीं निकल पाएंगे, ये क्या हो गया। सारे मेंढक उस गड्ढे के आसपास हो गए और ऊपर से कहने लगे, अब तुम इधर से नहीं निकल सकते, ये गड्ढा तो बहुत ही गहरा है, अब क्या करोगे। तुम्हें यहाँ से निकलने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे, ये गड्ढा बहुत ही गहरा है और इस गड्ढे से कोई नहीं निकल पाया तो तुम भी नहीं निकल पाओगे। तो दोस्तों, ये पूरा जो मेंढकों की टोली थी वो सब यही कहने लगी कि अब ये दोनों यहाँ पे मर जाएंगे। तो ये एक मेंढक ने सुना तो वो कोने में जाके बैठ गया, निराश हो गया, हताश हो गया। वो बोला कि बस अब हमारी जिंदगी खत्म, अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हमको यहीं पे रहना है, यहीं पे मर जाना है। दूसरा मेंढक जो था वो प्रयत्न करता रहा, प्रयास करता रहा। वो ऊपर जब देखता था वो सारे चिल्लाते थे, तब भी वो प्रयास करता रहा। सतत उसने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और आखिर में वो जो दूसरा मेंढक था, जो प्रयत्न करता था, जो प्रयास करता रहता था, वो ऊपर तक पहुंच गया और गड्ढे से बाहर निकल गया। और वो जो पहला मेंढक था जिसने ये सोच लिया कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, निराश होकर जो बैठ गया, वो वहीं पे रहा, वो वहीं पे बैठा रहा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें दो तीन चीजें सीखने को मिलती है। पहली, हमें निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। लोगों की नकारात्मक बातों को हमें नहीं सुनना चाहिए, हमें नजरअंदाज करना चाहिए और सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक सोच से हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात, जो पहला मेंढक था, जो लोगों की नकारात्मक, मेंढकों की नकारात्मक बात सुन के बैठा रहा, उसी तरह अगर जो इंसान लोगों की नकारात्मक बातें सुनकर अगर बैठा रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, वो जहां है वहीं पे रहेगा। तीसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है कि दोस्तों, हमेशा जीवन में लोगों को सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए, क्योंकि लोगों की बातों का प्रभाव बढ़ता है, दूसरों पे उसका असर होता है। तो हमें हमेशा सकारात्मक बोलना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए और अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। हम सतत प्रयास करते रहेंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी धैर्य रख के हम प्रयास करते रहेंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे तो जरूर हम एक दिन सफल होंगे।